एवरीवन, आई रोहन शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th तक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है क्वाड्री लेटरल्स। अब इससे पहले बेसिक चीजों की बात करें, सबसे बेसिक पॉइंट पकड़ते हैं, क्वाड्री लेटरल होता क्या है। क्वाड्री लेटरल मुझे पता है एक ऐसा पॉलीगन है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर है जिसकी चार साइड होती है। क्या होती है? मैं कह रहा हूं एक ऐसा पॉलीगन, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है क्वाड्री लेटरल जिसकी चार साइड्स होती है। वो कुछ ऐसा भी दिख सकता है, वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, वो एक नॉर्मल ऐसी सी फिगर भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं चाहे ये हो, चाहे ये, चाहे ये सारे मेरे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्वाड्रिलेटरल में कौन सा टाइप है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे मैं भी कह सकता हूं कि ये पैरेललोग्राम है, ये काइट या रोम्बस हो सकता है, ये मेरा स्क्वायर बन सकता है। तो मैं कह रहा हूं ये सारे मेरे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्यों? बिकॉज इनकी कितनी साइड्स हैं? ऑल ऑफ देम हैव फोर साइड्स। तो अब सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं जो हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहली चीज क्या आ रही है? सबसे पहली चीज आती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब कई बच्चे कहेंगे सर एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की होती है, जो कहते हैं कि तीनों एंगल्स का सम ट्रायंगल के अंदर होता है 180। नहीं, क्लास 8 में भी हमारा चैप्टर था क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें हमने सीखा था हमारी अगर जितनी भी क्लोज फिगर हो, जितनी मर्जी साइड्स हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, हम हर किसी के एंगल सम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था जो कह रहा था एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, जहां पे एन जो था वो था मेरा साइड्स। क्या थे? एन थे मेरे साइड्स। अब जैसे अगर मेरे पास यहां पे है क्वाड्रिलेटरल, लेट्स सपोज इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो मैं कह रहा हूं मुझे पता करना है कि ए बी सी डी का एंगल सम कितना है। एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी करूंगा तो मेरे पास क्या सम आएगा वो भी देख लेते हैं। मुझे पता है यहां कितनी साइड्स हैं? चार। तो इसका एंगल सम क्या होगा? एंगल सम विल बी 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये क्यों आया? बिकॉज यहां पे n क्या था? n वाज फॉर साइड्स। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री मेरे पास आ गया 360 डिग्री। इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो हमेशा उसके चारों एंगल्स का सम कितना होगा? उसके चारों एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। फिर वो चाहे मेरा एक स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, काइट हो, रोम्बस हो या ट्रेपीजियम हो। अगर ये बेसिक चीज समझ ली है, आगे चलते हैं, बात करते हैं एक एक करके कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की, स्टार्टिंग विद पैरेललोग्राम। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्यों? बिकॉज अब जो इसके बाद हम कुछ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे रेक्टेंगल हो, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज आती हैं पैरेललोग्राम की। आई कैन से स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। सो अब सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं पैरेललोग्राम की, और फिर देखेंगे अगर इन प्रॉपर्टीज में एक या दो प्रॉपर्टीज और ऐड कर दी जाए तो या तो मेरे पास स्क्वायर आ रहा है, या तो रिजल्ट में मेरे पास रेक्टेंगल आ रहा है, या फिर रोम्बस आ रहा है। तो अब क्लास 8 में भी पढ़ी हुई है कुछ प्रॉपर्टीज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो नाम क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेलल एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? तो ऐसी लाइंस जो कभी भी आगे जाके मीट ना करें। अगर मैं कह रहा हूं ए बी सी डी मेरे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम कब होगी? जब उसकी ऑपोजिट साइड्स ए बी और सी डी, इनको मैं चाहे इस तरफ एक्सटेंड करूं या इस तरफ एक्सटेंड करूं, ये कभी भी किसी भी पॉइंट पे मीट ना करें। उसी की तरह ए डी और बी सी, चाहे इधर एक्सटेंड करूं या नीचे एक्सटेंड करूं, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। सो पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल टू ईच अदर। और यहां पे मैं सिर्फ एक पेयर की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों पेयर की बात कर रहा हूं। आई कैन से ए बी, अगर ए बी सी डी को मैं पैरेललोग्राम ले लूं, सो आई विल से ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इन चीजों को साथ साथ नोट करते जाओ ताकि आपके लिए आसानी हो।
दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल भी होती हैं. सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज दे आर इक्वल टू ईच अदर. सो इसको भी प्रॉपर्टी की तरह लिख लेते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर. इसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो 8th क्लास में पढ़ चुके हैं वो क्या है, दैट मेरे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर. अभी सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा, सेकेंड पॉइंट पढ़ा कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. अब मैं कह रहा हूं कि मेरे ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये और ये एंगल आपस में है इक्वल. उसी की तरह आई कैन ऑल्सो से एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी. अब अगर ये भी हो गया तो इसके बना देते हैं डायगनल्स. क्या बना देते हैं, इसके बना देते हैं डायगनल्स जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. मैं कह रहा हूं एट पॉइंट ओ, क्या कह रहा हूं, इसके डायगनल्स बना देते हैं इस तरीके से कि जो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वो कर रहे हैं एट पॉइंट ओ. और एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं इसके डायगनल्स की, डायगनल्स की क्या प्रॉपर्टी है, मैं पढ़ चुका हूं 8th में, मैं फिर कह रहा हूं ये सारी चीजें सिर्फ रिविजन है आप लोगों की. क्या है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ प्रॉपर्टी जो अभी मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज दैट डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. क्या है, जो डायगनल्स है मेरे पैरेललोग्राम के वो दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब मैं पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुका हूं, इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास चीजें गिवन है वो जो लाइंस, या अगर मैं कहूं एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, लाइन बाइसेक्ट हो रही है, तो जिसके भी बारे में बात कर रहा हूं वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दैट बी डी ए सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं. ए सी को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, दैट ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, और उसके साथ साथ ए सी मेरे बी डी को बाइसेक्ट कर रहे हैं. बी डी को बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब कहां पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ. तो जैसे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, उसी तरीके से ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. क्या आ गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी हो गया. तो आओ एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, क्या है, दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. क्या कह रहा हूं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. इसका मतलब क्या है, देखो ये कॉन्सेप्ट मेरा आ कहां से रहा है, ये कॉन्सेप्ट मेरा आ रहा है को इंटीरियर एंगल से, जो हम लाइंस और एंगल्स में समझ चुके हैं. फिर भी क्या कह रहे हैं एक बार दोबारा समझा देता हूं कि अगर एडजेसेंट एंगल्स हो पैरेललोग्राम के अंदर, जैसे कि एंगल ए और एंगल बी, तो इन दोनों का सम है 180. उसी तरीके से एंगल ए और एंगल डी का सम भी है 180. एंगल डी और एंगल सी का जो सम होगा वो भी होगा 180, और एंगल सी और एंगल बी का जो सम होगा वो भी होगा 180 डिग्री. अब मतलब क्या है कि ए को चाहे बी के साथ लूं या डी के साथ लूं और सम करूं, तो मेरे को हमेशा सम निकल के आएगा 180. एंगल बी को ले रहा हूं साथ में, चाहे ए लूं चाहे सी लूं, दोनों का सम होगा 180. सी ले रहा हूं चाहे एंगल बी लूं चाहे एंगल डी लूं, हमेशा सम निकल के आएगा 180 डिग्री. ये हो गई मेरे कुछ प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की, जिसमें पहला क्या कह रहा था, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर parallel to each other, opposite sides of a parallelogram are equal to each other, opposite angles of parallelogram are equal to each other, diagonals of a parallelogram bisect each other, and adjacent angles of a parallelogram are supplementary. ये कुछ basic properties हुई. अब इसी के basis पे जल्दी से देखते हैं कि कुछ basic theorems क्या है मेरे इस chapter quadrilaterals की, because जो starting की जो मेरी main theorems हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले थ्योरम्स आ रही हैं, वो सारी की सारी पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड हैं. अब अगर स्टार्ट करें
तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरम नंबर 1 की, दैट इज थ्योरम 8.1। थ्योरम 8.1 क्या कह रही है? सबसे पहले कह रही है दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम हो, लेट सपोज अब ले लेते हैं W X Y Z और एक ही डायगोनल बनाऊं मैं इसका, लेट सपोज X Z। क्या कह रहा हूं कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है W X Y Z इज अ पैरेललोग्राम और मेरे को यहां पे एक डायगोनल दे दिया गया है X Z इज अ डायगोनल। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो डायगोनल है वो पूरे पैरेललोग्राम को दो congruent triangles में bisect कर रहा है। मतलब मेरे पास इस diagonal की वजह से दो triangles क्या आ गए हैं, मेरे पास आ गया है triangle W X Z और दूसरा triangle है let's suppose Y, मैंने कह लिया W X Z तो दूसरा है Y Z X। मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों हैं मेरे congruent। क्या है? congruent। naming क्या सही है एक बार check कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ WX वो होगा YZ के इक्वल, क्लियर है। WZ WZ वो होना चाहिए XY के इक्वल, वो भी है सही, और बीच में है XZ XZ वो भी है सही। तो मेरा एक डायगोनल मेरे पूरे पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट करता है। ये सिर्फ XZ के लिए नहीं है, अगर मैं यहां पे बना दूं YW डायगोनल तो वो भी, जो दो ट्रायंगल्स निकल के आएंगे वो भी होंगे कॉन्ग्रुएंट। ये हमारी पहली थ्योरम थी, आई होप आपको हुई है क्लियर। आगे चलते हैं, बात करते हैं सेकंड थ्योरम की, जो अब मेरे यूज होंगे मेरे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरी थ्योरम भी कह रही है, थ्योरम 8.2 सेज दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। वो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स हैं इक्वल, ये तो हम पहले ही जानते हैं। जल्दी से आगे चलते हैं, अगली जो थ्योरम होगी वो इसकी कन्वर्स होगी। क्या कह रहे हैं? इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। थ्योरम 8.3 कह रही है, देखो हम ये समझ चुके हैं कि ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है तो मेरे पास दिया होगा ए बी इज इक्वल टू सी डी और मेरे पास दिया होगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। थ्योरम 8.2 क्या कह रही थी? इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देन आई कैन कंक्लूड दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये मैं कंक्लूड कर सकता हूं। 8.3 का कन्वर्स है। 8.3 क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है उसका हर पेयर, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज इफ ए बी is equal to CD and AD is equal to BC, then I can conclude that ABCD is a parallelogram। आगे भी आने वाले कुछ theorem में हम यही देखेंगे कि एक theorem दी हुई है जो property है और दूसरी उसकी converse है, कि अगर property मेरी parallelogram के satisfy हो रही है तो जो quadrilateral है मैं उसको prove कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि वो है मेरा एक quadrilateral parallelogram। So, 8.3 हमने थ्योरम समझ लिया। आगे चलते हैं, बात करते हैं थ्योरम 8.4 की। 8.4 क्या कह रहा है? That in a parallelogram, opposite angles are equal। ये भी हम पहले इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। So, 8.4 क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स हमेशा होंगे इक्वल। सो इफ ए बी सी डी is a parallelogram, क्या कह रहे हैं? If ABCD is a parallelogram, so I can conclude that angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। ये है मेरी normal property। पढ़ चुका हूँ, revise कर चुका हूँ। अगली theorem देखते हैं, जो of course इसका होगा converse। 8.5 का कह रहे हैं that if in a quadrilateral each pair, याद रखना सिर्फ एक pair नहीं कह रहा, each pair मतलब दोनों pair मेरे ऑपोजिट एंगल्स के हो गए इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब क्या है? थ्योरम 8.5 क्या कह रही है कि अगर मेरे पास लेट सपोज मुझे ये दिया हो कि एबीसीडी ये मेरा पैरेललोग्राम है, नॉर्मल सी चीज है, मैं देख सकता हूं एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड फिगर है, लेकिन मुझे ये दे दिया गया दैट इफ इन ए
बी सी डी इफ आई कैन सी दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये मेरे को दिया हुआ है या मैं प्रूव कर सकता हूं. सो आई कैन ऑल्सो कॉन्क्लूड दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. क्या कह सकता हूं दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ये थी मेरी थ्योरम 8.5. अब क्योंकि वहां पे जगह हो गई है फुल, जल्दी से एंगल सम प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट को मिटा देते हैं क्योंकि आई होप वो आपको समझ आ गया हो. 8.6 क्या कह रही है थ्योरम? मेरे पास 8.6 थ्योरम है जो फिर से मेरी प्रॉपर्टी है. हमने यहाँ क्या पढ़ा था? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. सेम थ्योरम 8.6 कह रही है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. क्या मतलब है कि अगर मेरे को दिया हुआ है इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं दिस इंप्लाइज AO is equal to OC and OB is equal to OD. इसका जो diagonals है वो दूसरे को करेंगे bisect. अगली property अब आप खुद बता सकते हैं क्या होगी 8.7 में क्या कह रहे हैं that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other. अगर मेरे पास दिया हुआ है ABCD, मेरे पास एक quadrilateral है और मेरे को दिया हुआ है if AO is equal to OC and OB is equal to OD. Point है ये दोनों चीज होनी चाहिए. वैसे ही यहाँ पे ये दोनों चीजें मेरे पास निकलनी चाहिए. यहाँ पे ये दोनों चीजें मेरे पास निकलनी चाहिए. So अगर मेरे पास ये clearly दिया हो या मैं प्रूफ कर सकूं that in quadrilateral ABCD if AO is equal to OC and if OB is equal to OD, then I can conclude that ABCD is a parallelogram. क्या conclude कर सकता हूँ 8.7 में? If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. I hope ये जो properties हमने पढ़ी थी उसके through जो theorems करी हैं, 7 theorems, ये है आपको clear. अब बात कर लेते हैं last theorem की जो हमारी parallelogram से associated है, which is theorem 8.8. theorem 8.8 के कह रही है थोड़ा ध्यान से समझना और इसको दिमाग में बिठाना बिकॉज इस थ्योरम के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसको एप्लीकेशन में लगाने वाले हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कह रही है वो जल्दी से पढ़ लेते हैं. थ्योरम 8.8 सेज अ क्वाड्रिलेटरल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज सॉरी अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल. क्या कह रहा है? मेरे पास एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी. मेरे को ये नहीं बताया हुआ कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं. अगर मैं ये कह सकूं दैट इन ए बी सी डी कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, लेट्स सपोज वो ए बी और सी डी भी हो सकती है. इन ए बी सी डी इफ आई कैन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड AB is parallel to CD. क्या कह रहा हूं? अगर मैं प्रूफ कर सकूं AB is equal to CD, दोनों equal हैं और उसके साथ साथ दोनों parallel भी हैं, then I can conclude this implies ABCD is a parallelogram. उसी के साथ साथ या तो ये हो जाए और एक और pair भी तो है opposite side का ADBC. या तो ये चीज प्रूफ कर दो या ये प्रूफ कर दो that AD is equal to BC and AD is parallel to BC. Same दो sides हैं opposite, वो equal भी हैं और वो ही same दो sides parallel भी हैं. ये नहीं चलेगा AB is equal to CD proof कर दिया और AD is parallel to BC proof कर दिया. नहीं, same pair of opposite sides को equal और parallel अगर proof कर दिया, so I can say जो quadrilateral दिया हुआ है this implies AB CD is a parallelogram. ये मैं बहुत आराम से कह सकता हूं अगर मैं ये चीज प्रूफ कर पाऊं. I hope ये 8 जो theorems मैंने समझाई हैं using the properties of parallelogram वो हुई हैं clear, दिमाग में अच्छे से बैठ गई हैं. आगे चलते हैं, बात करते हैं अगर parallelogram की जो properties हैं इसी में एक एक दो दो चीजें और add कर दें तो कैसे मेरे पास parallelogram से square में convert हो जाएगा, कैसे वो parallelogram से rectangle या rhombus में convert हो जाएगा. So
जल्दी से कर लो, यहाँ पे जो मैं थ्योरम समझाएंगे इसकी एक्सप्लेनेशन जल्दी से कर लो कॉपी, फिर इसको करते हैं इरेज, प्रॉपर्टीज यही लिखी रहेंगी और आगे चलेंगे देखेंगे कैसे कुछ कुछ चीजों को और ऐड करने से अगर कुछ और चीजें प्रूव कर पाऊं मैं कह सकता हूं कि पैरेललोग्राम के साथ वो एक और क्वाड्रिलेटरल है। आगे चलते हैं। नाउ डन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम और उससे एसोसिएटेड जो मेरी 8 थ्योरम्स थी इस चैप्टर की, अगर वो कर ली तो अब आगे चलते हैं। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा था कि जो मेरे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं अगर इसमें एक या दो चीज और ऐड कर दूं तो मेरे पास एक नया क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, वो रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। अब जल्दी से देखते हैं मेरे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या, जो अभी जस्ट हमने रिवाइज की थी क्या है। Opposite sides are equal and parallel, opposite angles are equal, diagonals bisect each other and adjacent angles are supplementary, मतलब उनका sum है मेरे पास 180 degree। अब ये तो मेरी हो गई parallelogram की properties। अब आगे चलते हैं कुछ और quadrilaterals की बात कर लेते हैं, starting with rhombus। किससे start करते हैं? Start करते हैं with rhombus। देखो rhombus क्या है, मुझे जनरली पता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स सेम है, चारों साइड्स इक्वल है। सो लेट्स सपोज मैं यहां पे कह रहा हूं अगर ए बी सी डी मैंने पैरेललोग्राम लिया है तो मैं कह रहा हूं पी क्यू आर एस, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है अभी के लिए जिसमें मैं कह रहा हूं मैं इसकी प्रॉपर्टीज कैसे बता रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं इसके अंदर सबसे पहले ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम होंगी ही होंगी, मतलब कि मैं कह रहा हूं कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टीज हैं। इसके साथ साथ मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी और ऐड कर रहा हूं, क्या, दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। मैंने अभी ये तो पढ़ लिया था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अब मैं कह रहा हूं ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब मैं कह रहा हूं PQ इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू QR, अगर ये भी चीज हो गई सो आई कैन से दिस इंप्लाइज PQRS इज अ रोम्बस। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक प्रॉपर्टी और ऐड करो कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं या फिर अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। क्या है कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपको सिर्फ पैरेललोग्राम गिवन है, मेरे पास गिवन था कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, उसमें अगर मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, अगर मैं कह सकूं क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू तो मैं कह पाऊंगा दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। अब अगर ये हो गया आगे चलते एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं, अब बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की। किसकी अब बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की। Let's suppose E, F, G, H, मैं कह रहा हूं कि मेरा रेक्टेंगल है, क्या कह रहा हूं E, F, G, H मेरा है एक रेक्टेंगल, यहां पे मेरे को प्रूव करना है दिखाना है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं जो पहले भी दो तीन तीन बार मैं बोल चुका हूं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर ये सारी चीजें मुझे दी हुई हैं तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की वो यहां पे भी लग रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं, एडिशनल प्रॉपर्टीज जैसे सबसे पहले डायगोनल्स आर इक्वल, क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल है, मतलब EG is equal to FH, EG is equal to FH, अगर मैं ये प्रूफ कर पाऊं या ये मेरे को गिवन हो, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं ये भी प्रूफ कर पाऊं, ये हो गई दो, थर्ड मैं कह रहा हूं अगर मैं ये प्रूफ कर पाऊं कि इसका कोई भी एक एंगल, क्या कह रहा हूं, इसका कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल is 90 degree, कोई एक एंगल अगर मैं प्रूफ कर पाऊं कि इसका 90 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे को क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था वो है एक रेक्टेंगल। दिस इंप्लाइज EFGH इज अ रेक्टेंगल, मतलब कि पैरेललोग्राम के अंदर अगर मैं सिर्फ दो चीजें और ऐड कर दूं कि इसकी डायगोनल्स इक्वल हैं
और कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं जो गिवन क्वाड्रिलेटरल था वो एक रेक्टेंगल है। आगे चलते हैं, एक और पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज अभी के लिए मेरे को गिवन है दैट डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम तो लग ही रही हैं। जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की हैं, वो डब्ल्यू एक्स वाई जेड की भी हैं। अब इसके बाद दो तरीके हैं इसको समझाने के। एक तरीका क्या है कि पैरेललोग्राम के साथ साथ अगर इस डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर रोम्बस और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को भी मैं जोड़ दूं, मतलब अगर मैं प्रूफ कर दूं कि इसके एडजेसेंट साइड्स या सारी साइड आपस में हैं इक्वल, उसके साथ साथ इसके डायगोनल्स इक्वल है और कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो है स्क्वायर। सो दो तरीके हैं, दोनों लिख देता हूं। मैं कह रहा हूं अगर मैं ये प्रूफ कर पाऊं दैट ऑल साइड्स आर इक्वल और उसके साथ साथ ये कह सकूं कि इसके डायगोनल्स भी हैं इक्वल एंड लास्ट एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, सो आई कैन से दैट डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ स्क्वायर। क्या कह सकता हूं ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये है एक स्क्वायर। इसके साथ साथ एक और तरीका क्या है स्क्वायर को डिफाइन करने का, कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम ले लूं उसके अंदर ऐड कर दूं रोम्बस की प्रॉपर्टीज और उसके अंदर फर्दर ऐड कर दूं एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, इन तीनों की प्रॉपर्टीज अगर ऐड अप हो जाएं तो मेरे पास जो रिजल्टेंट क्वाड्रिलेटरल आएगा वो हमेशा एक स्क्वायर होगा। क्या होगा, वो हमेशा एक स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट मेरे पास रोम्बस रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है ये तीनों क्या है, ये तीनों पैरेललोग्राम्स हैं, बस इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हैं। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है तो वो मेरा हो जाएगा रोम्बस। अगर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी मैं क्या कह रहा हूं कि जिसके डायगोनल्स इक्वल और जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री है, तो मैं क्या कहूंगा कि वो जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। और अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, जिसका एक एंगल 90 है और जिसके डायगोनल्स दोनों के दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि गिवन क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं कि कैसे रोम्बस रेक्टेंगुलर स्क्वायर को भी मैं एक पैरेललोग्राम कह सकता हूं। आई होप ये चीजें क्लियर हैं। जल्दी से इसको मिटाते हैं और सिर्फ दो और क्वाड्रिलेटरल्स को समझ लेते हैं। इसी को ही कर रहा हूं इरेज। अब वो दो क्वाड्रिलेटरल्स कौन से हैं जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक क्वाड्रिलेटरल की शेप है। लेट सपोज ये है ए बी सी डी, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है आपको भी पता है मुझे भी पता है, ये है ट्रेपीजियम। क्या है, ये है मेरा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी है, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है एनी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या कह रहा हूं कि कोई भी एक पेयर, सिर्फ एक पेयर इसमें होती है पैरेलल, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है। जैसे मैं इस डायग्राम में क्लियरली देख सकता हूं दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लेकिन मैं एक बार भी नहीं कह सकता कि ए डी और बी सी पैरेलल है। क्यों, मैं क्लियरली देख सकता हूं, हल्का सा भी एक्सटेंड करूं तो ये इस तरफ मिल जाएंगे। सो जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑपोजिट साइड्स की हो पैरेलल, वो मेरा होता है ट्रेपीजियम। एक और फिगर पढ़ लेते हैं, एक और क्वाड्रिलेटरल पढ़ लेते हैं। ये क्या है, कुछ बच्चे कहेंगे सर रोम्बस नहीं, ये रोम्बस नहीं है, ये है मेरी काइट। काइट की क्या प्रॉपर्टी है, इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी। काइट की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें कोई भी दो अलग अलग पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं इक्वल। आई रिपीट, क्या प्रॉपर्टी है काइट की, काइट की प्रॉपर्टी है कि इसके कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स होते हैं इक्वल। सो मेरे पास दो पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड्स के जो इक्वल है। जैसे कि अगर यहां बात करूं तो मेरे पास है ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी
इज इक्वल टू सी डी। ये मेरे पास दो एडजेसेंट साइड्स के पेयर हैं जो आपस में है इक्वल, तो मैं कह सकता हूं कि जो काइट है ये, सॉरी जो मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये है मेरे पास काइट। इसी के साथ मेरे क्वाड्रिलेटरल्स के जो अलग अलग टाइप्स थे, अलग अलग टॉपिक्स थे, वो सारे होते हैं यहाँ पे ओवर। जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं, सिर्फ दो थ्योरम्स रह गई हैं इस पूरे चैप्टर की, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो लास्ट तक देखो, वो दो थ्योरम्स भी कवर करो, समझो क्या है। जल्दी से चलते हैं लास्ट की दो थ्योरम्स पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सब चीजें आपने कर ली है कॉपी। अब अगर आठ थ्योरम्स पढ़ लें, अगर ये समझ लें कि पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज समझ ली, और ये देख लिया कैसे अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में एक या दो प्रॉपर्टी और ऐड करें तो एक नया क्वाड्रिलेटरल निकल के आता है। जल्दी से चलते हैं, खत्म करते हैं इस चैप्टर को। उसके लिए जरूरी है कि दो लास्ट की थ्योरम्स पढ़ें, समझें। अब अगर देखें थ्योरम 8.9 क्या कह रही है, इट सेज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जल्दी समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। थ्योरम है मेरे पास ये 8.9, क्या कह रही है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, लेट्स से मेरे पास है ट्रायंगल ए बी सी, जहां पे ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। क्या कह रहा हूं, दैट ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम आई कैन से दैट ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। और उसी के साथ साथ एक और चीज कह सकता हूं, जो जब मैं इसको प्रूव करूंगा तो मैं फर्दर उसको कह सकता हूं, क्या, दैट ई एफ is half of BC। ये है मेरे थ्योरम 8.9 which says the line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, एक ऐसी लाइन है जो दो साइड्स के मिडपॉइंट को, अगर E और F मेरे मिडपॉइंट है ए बी और ए सी को, ए सी के, और अगर मैं कह रहा हूं कि ई एफ एक लाइन है जो इन मिडपॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो जो थर्ड साइड बच गई, देखो ए बी और ए सी यहाँ पे हो गई कवर, तीसरी साइड कौन सी बची, बी सी। सो दैट द थ्योरम सेज दैट ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। क्या कह रहे हैं, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। इनफैक्ट जब मैं फर्दर थ्योरम प्रूफ करूंगा तो मैं ये भी कंक्लूड कर पाऊंगा दैट ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये दो चीजें हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और थ्योरम को मैं कहता क्या हूं, थ्योरम को नॉर्मल लैंग्वेज में मैं कहता हूं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है थ्योरम का नाम है, थ्योरम को मैं कहता हूं मिड पॉइंट थ्योरम, विच सेज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। It is parallel to the third side. इस थ्योरम को याद कर लो, समझ लो, देखो क्या कह रही है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ई और एफ मेरे मिड पॉइंट है साइड ए बी और ए सी के, तो जो लाइन मेरी निकल के आ रही है यहाँ पे ई एफ, वो पैरेलल होगी थर्ड साइड दैट इज बी सी के। और उसके साथ एक और चीज बता रहा हूं कि जो ई एफ होगी दैट विल बी हाफ ऑफ बी सी। सो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी अगर ई और एफ मेरे मिड पॉइंट है ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये थी मेरी थ्योरम 8.9 दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। अब अगली थ्योरम पे चलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से लिंक है, इनफैक्ट इसी का कन्वर्स है। सो थ्योरम 8.10 क्या कहती है, इट सेज द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्या कह रही है, इसी से रिलेटेड है, कई बार इसको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, नाम पहले लिख रहा हूं, इसको कह देते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लेट्स सपोज ट्रायंगल मेरा यही है, मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी वेयर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और उसी के साथ ई एफ
इज पैरेलल टू बीसी, ये है मेरे को गिवन कि इन ट्रायंगल एबीसी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड ईएफ इज पैरेलल टू बीसी, देन आई कैन कंक्लूड, देन आई कैन कंक्लूड और आई कैन से दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. क्या कह रहा हूं कि जो मेरे पास लाइन थी उसको उसका दूसरा एंड था, वो पॉइंट जो होगा जैसे यहां पे है पॉइंट एफ, वो ए सी को बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि उसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, मतलब एफ है मेरा मिड पॉइंट ऑफ ए सी. जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट क्या है एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं और साथ साथ बोर्ड पे लिख लेते हैं. क्या कह रहे हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. बुक में स्टेटमेंट क्या कह रही है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. जैसे कि अगर मेरे पास यहां पे है ट्रायंगल एबीसी, मेरे को इतना गिवन है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एबी और ईएफ इज पैरेलल टू बीसी, तो यहां पे मैं दो साइड्स की बात कर चुका हूं, उसका जिक्र हो चुका है एबी और बीसी, तो तीसरी साइड ट्रायंगल की कौन सी बच गई, तीसरी साइड बच गई एसी. तो जो ये मेरी लाइन है ई एफ, यहाँ पे जो पॉइंट है एफ, वो बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट का मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल डिवाइड करना. सो अगर मैं कह रहा हूं एफ इक्वल डिवाइड कर रहा है एसी को, तो क्या कह सकते हैं दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी. ये है मेरी थ्योरम 8.10, जिसको मैं कहता हूं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अब आई होप आपको क्लियर है अच्छे से मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है. इसी के साथ कॉन्सेप्ट होते हैं इस पूरे चैप्टर के यहीं पे खत्म. आई होप दोनों चीजें हुई हैं क्लियर, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ हमारे चैप्टर के लिए, आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी, और उसके साथ साथ पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्वेश्चंस इसके ऊपर आते ही आते हैं. इसी के साथ मैं वीडियो करता हूं यहीं पे वाइंड अप. आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. इफ यस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू.